Hello friends, so once again we are here to go and see this state being state of being verb. फिर से आज जो है state of being verbs के ऊपर ही हम लोगों का दूसरा lecture होने वाला है. इसका already एक हमने पहला lecture हमने देख लिया है. और इस state of being verbs ऐसे verbs होते हैं जिसमें कभी भी किसी कोई actions होने का ना कोई ideas नहीं होता है. And for the same reason और इसी कारण से इसको ना हम इसको स्टैटिक वर्ब भी कहते हैं. तो फर्स्ट लेक्चर्स में हमने देखा कि ये जो स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स जो होते हैं इससे हमें सिर्फ ये समझ में आता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि व्हाट एंड हु अ नाउन इज, व्हाट एंड हु अ नाउन वाज, एंड व्हाट एंड हु अ नाउन विल बी. ये स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स जो होते हैं ये हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करवाता है, ये सिर्फ हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि सब ये नाउन जो है ये क्या है, व्हाट और हु आर नाउन इज, नाउन क्या था और नाउन क्या होगा. बस ये सिर्फ हमें इतना लिमिटेड इंफॉर्मेशन देता है. इससे ये स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब से कभी भी किसी एक्शंस का होने का ना ऐसा कोई वी डू नॉट गेट एनी आइडिया दैट सम एक्शन इज गोइंग ऑन. इसमें किसी एक्शंस का होने का कोई आइडियाज नहीं होता. इससे हमें सिर्फ ये समझ में आता है कि सब्जेक्ट क्या है प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में हो जाता है सब्जेक्ट क्या था, और फ्यूचर टाइम में हो जाता है सब्जेक्ट क्या होगा. और इसी वजह से इसको हम स्टैटिक वर्ब भी कहते हैं. और ये जितने भी वर्ब्स ये मेनली कितने होते हैं इसमें अगर हम बात कर लें तो इसमें टू बी वर्ब्स जो होते हैं, टू बी वर्ब्स स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स में आते हैं. टू बी वर्ब्स का हमने ऑलरेडी देख रखा था इज, एम, आर. एक बार फिर से हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस के लिए was, were, past tense के लिए और future tense में will be, यहाँ पे be लगना होता है और shall be या be लगना होता है. और मैं तो ये कहता हूँ कि यहाँ पे will be और shall be की जगह अगर आप ऐसे सोचते हैं modals लगा लो कोई सा भी और उसके साथ be लगा लो, ये कहना ज्यादा जो है, ये अगर ये आइडियाज को लेकर हम समझते हैं और इस आइडियाज लोग के अगर हम करते हैं तो ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होता है. तो यहाँ पे हम सिर्फ विल और शैल के टर्म्स में हम सोच रहे हैं, बट अगर यहाँ पे हम मॉडल्स लिखते हैं ना तो जितने भी 14 मॉडल्स हैं, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, हैव टू, यूज्ड टू, ऑट टू, नीड, डेयर, मस्ट, ये सब मॉडल्स इसके अंदर आ जाते हैं. इसलिए ये जो मैंने बोला इज, एम, आर प्रेजेंट टेंसेस के लिए, वाज, वर, पास्ट टेंसेस के लिए, और ये विल बी और शैल बी फ्यूचर टेंस होने का एक यही सबूत होता है ना कि सेंटेंस में अगर हमें कहीं भी विल और शैल दिख जाए तो उसे हम जो है ना फ्यूचर टेंस में समझना और मानना शुरू करते हैं. तो यहाँ पे विल बी और शैल बी की जगह अगर हम मॉडल्स भी लगा दें तो यहाँ पे अगर मॉडल्स भी लगाकर अगर हम समझना शुरू करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं जितने मॉडल्स है ना वो सारे आ जाते हैं. तो यहाँ पे विल भी हो जाएगा, शैल भी हो जाएगा, वुड भी हो जाएगा, शुड भी हो जाएगा, कैन भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, ऑट टू भी हो सकता है, हैव टू भी हो सकता है, यूज्ड टू भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, मतलब जितने मॉडल्स है ना सब उसमें आ जाएंगे. मॉडल्स कितने होते हैं, मॉडल्स 14 होते हैं. इस चीज को हमने पहले के प्रीवियस वीडियोस में लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी कर रखा है. और एक ये चीज बहुत जरूरी है कि जब भी अगर आप अगर कोई वो तो आप जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी जब लेक्चर्स देखना शुरू करते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि जहां से मैंने लेक्चर्स डालना शुरू किए हैं वहां से देखना, इट्स ऑलवेज गुड. क्योंकि अगर मुझे पता है कि अगर इसमें एक्सप्लेन करने के दौरान में अगर कोई नया टर्म आ रहा है तो उस टर्म को ना मैंने पहले के लेक्चर्स में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है. इसलिए एक एक ये काइंड ऑफ अपील है मेरा कि स्टार्टिंग से जिस वे में अब मेरा जो उसको वीडियोस को मैं अपलोड करता हूँ बिल्कुल उसी वे में उसको देखें. तो टोटल मॉडल्स 14 होते हैं. और क्या हो जाता है, और हो जाता है बीइंग हो जाता है, और क्या हो जाता है, और बीइंग हो जाता है. ये सारे जो हैं ये ऑल दीज आर स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब. इसके अलावा एक कल हमने और भी देखा था जिसको हम स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं, उसमें ये वर्ब्स भी आते हैं जैसे लुक, seem, appear,
seem, look, appear, taste, smell, sound, get or become. ये वर्ब्स का भी इस्तेमाल जो है हम स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स के रूप में हम करते हैं, बस इतना ही है। बट इसमें से जैसे अगर हम ये कहते हैं, अगर मैं कहता हूं he is getting angry, तो ये सेंटेंस में ना, अगर हम ये सेंटेंस में देखें he is getting angry, यहां पे हम इसको getting को हम कैसे state of being कह सकते हैं, यहां पे कुछ actions नहीं, यहां पे कोई actions नहीं हो रहा, no action is happening here, no action is happening, then what is happening, और इसी तरीके से अगर हम यहां कह सकते हैं it is getting dark, getting से हो गया, अगर हम becoming से बना दें he is becoming old, तो ये जो दो sentences हैं, ये दो sentences भी state of being में आते हैं, यहाँ पे किसी actions का होने का हमें कोई ideas नहीं हो रहा, यहाँ पे something is happening gradually, कोई चीज यहाँ पे हो रहा gradually हो रहा little by little, so it is not an action, that's why ये verbs तो हैं ही is, am, are, was, were, will be, shall be या किसी भी modals के साथ be या been or being, ये तो हैं ही, और इसके अलावा ये verbs भी जो है ना, ये verbs भी state of beings में आते हैं, कितने सारे verbs हो गए, look, seem, appear, taste, smell, sound, get, become, ये जो verbs जो होते हैं, इन verbs को हम verbs of feelings या thoughts या sensations कहते हैं, these are the verbs of feelings and thoughts and sensation, these verbs are the verbs of thoughts, feelings and sensations, ये सारी चीज तो हैं, हम लोगों ने first lectures में ही discuss कर रखा था, let us take this lecture bit forward, इस lectures को हम थोड़ा सा आगे ले जाने की हम कोशिश करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है, और इसमें एक चीज और हम लोगों ने जो already देख रखा था, ये जो sentences होते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें subject होता है और इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, और इस सब्जेक्ट्स में इसमें जो कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि सब्जेक्ट आता है, फिर इसकी अगर ये हम बात कर लें, इसके स्ट्रक्चर्स की बात कर लें जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा था, तो स्टार्टिंग में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर ये जो है ना ये स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब लगा देते हैं, और ये जितने भी वर्ब्स होते हैं इसको स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स कह लें या फिर इसको हम टू बी वर्ब्स कह लेते हैं, टू बी वर्ब्स, और यहाँ पे स्टैटिक वर्ब जो हमने देखा स्टैटिक वर्ब ये भी आ जाएंगे, और यहाँ पे जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट होता है, इस चीज को भी हमने देख लिया था, कॉम्प्लीमेंट होता है, ये जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में वर्ब के बाद जो वर्ब के बाद जो वर्ड्स आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, नो, एक ऑब्जेक्ट में, ये चीज मैं बाद में डिस्कस करूंगा, एक ऑब्जेक्ट में और एक कॉम्प्लीमेंट में जो होता है फर्क होता है, एक कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट में फर्क होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब सब्जेक्ट कोई परफॉर्म करता है और उसके परफॉर्मेंस का इफेक्ट जो रिसीव करता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एज अ वर्ड, ये एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, क्लॉजेस हो सकता है विच इज नीडेड टू कंप्लीट द एक्सप्रेशन, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, या तो नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है, ये चीज हमने कल देख लिया था, आज हम क्या कर रहे हैं, आज इसमें हम देखते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स कितने टेंसेस में पॉसिबल है, टेंसेस वाइज उसको हम स्टडीज करते हैं कितने टेंसेस में ये पॉसिबल है, सो लेट्स गो एंड सी कि स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब जो है ना इसको हम कितने टेंसेस में हम इसको स्टडी करते हैं, तो वहां पे हम जो है ना इसको वहां पे समझने की कोशिश करेंगे, तो इसके लिए ये हो जाता है, ये नेम ऑफ टेंसेस यहाँ पे हम बना दें, नेम ऑफ टेंसेस, और यहाँ पे हम स्ट्रक्चर करते हैं, स्ट्रक्चर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाकर स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स का इस्तेमाल करके हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं या फिर उसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, ऑब्वियसली वी नीड टू हैव अ सब्जेक्ट, विदाउट सब्जेक्ट वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ
मेकिंग एनी सेंटेंस, बिना सब्जेक्ट के बिना कोई सेंटेंस इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई ऑलवेज देयर इज अ सब्जेक्ट. उसके बाद जो है हम इज एम आर, और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट होता है. कॉम्प्लीमेंट होता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है. हम देख ले, इंडिया इज अ कंट्री और इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री. सिंपल सेंटेंस कोई सा भी देख ले आप. सो हियर इंडिया इज सब्जेक्ट, इज इज टू बी वर्ब एंड अ ग्रेट कंट्री इज अ कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड हो सकता है, एक फ्रेज हो सकता है, एक क्लॉज हो सकता है, जिसकी जरूरत जो है ना एक्सप्रेशंस को कंप्लीट करने के लिए होता है. अगर मैं इसे यहाँ कहे कि ये रुक जाऊं कि इंडिया इज और इसको ना डालो तो सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं आता है. यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट है. अगर हम सिंपल पास्ट की बात करें, सिंपल पास्ट में इसकी स्ट्रक्चर देख ले हम, तो सिंपल प्रेजेंट ऑब्वियसली वी नो इसका पास्ट टेंस वाज होता है, एम का पास्ट टेंस वाज होता है, आर का पास्ट टेंस वर होता है. तो सेम यहाँ पे दिस इज का पास्ट टेंस वाज, एम का पास्ट टेंस वाज, आर का पास्ट टेंस वर्ड, और सेम कॉम्प्लीमेंट. इसी सेंटेंस हम कर देते हैं, इंडिया वाज अ ग्रेट कंट्री. सिंपल फ्यूचर में हम देखते हैं, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर कर लेते हैं, या फिर इसको ना हम सिंपल मोडल्स कहते हैं. क्यों मैं सिंपल मोडल्स लिख रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया कि अगर आप विल और शैल के टर्म्स में सोचते हैं ना, तो ये बहुत लिमिटेड आइडियाज हो गया कि सिर्फ विल एंड शैल हो गया. बट इस स्ट्रक्चर्स में मोडल्स, कोई सा भी मोडल्स डाल के सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा. बट यस, जब एक मोडल दूसरे मोडल को लेकर हम दूसरे मोडल का यूज करते हैं, तो ऑफकोर्स सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता है. दैट वी विल स्टडी when we are going to study that modals chapter. But here structure some check kar lete, kya ho jayega, subject and yahan pe will or shall. initially main likhta hu ki will and shall, but main yahan kehta hu ki aap modals likh le. will or shall to maine likh hi diya, uske sath aap modals likh le aur yahan pe be dal de aur yahan pe complement. to iska isi sentence ka kya ho jayega, india will be a great country. So state of being में कितने sentences possible हैं? वो particular sentences जब बनते हैं तो वो कौन से tense में बनते हैं उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि state of being जो है इसको हमने simple present tense में देखा. अगर आपके पास कोई भी sentence subject plus is am are plus complement होता है, वो simple present tense में होता है. और ये जो sentences होते हैं ये ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर वाइज बोलने में, समझने में और लिखने में सबसे आसान वाले सेंटेंसेस होते हैं. इससे आसान सेंटेंसेस और नहीं होते हैं. तो क्या इस स्टेट ऑफ बीइंग जो सिर्फ इतने ही टेंसेस में पॉसिबल है, या इससे और भी ज्यादा होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं. उसको भी समझने की हम कोशिश करते हैं. हम लोगों ने तीन देख लिया, अब हम और देखते हैं आगे जाकर. और एक हम प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू, सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल फ्यूचर कह लें, सिंपल मोडल्स. अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात कर लें तो इसमें क्या हो जाता है, सब्जेक्ट और यहाँ पे हैज अ हैव और यहाँ पे बीन और यहाँ पे सेम कॉम्प्लीमेंट. यहाँ पे हैज अ हैव और यहाँ पे बीन लग जाता है. सेंटेंस हम बना लें, सेंटेंस पे इंडिया हैज बीन a great country. अब इसमें ये चीज समझना है कि इसमें फर्क क्या है. इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री और इंडिया हैज बीन अ ग्रेट कंट्री में क्या डिफरेंस है? यस, डिफरेंस है. अगर हम कहते हैं इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इंडिया एक महान देश है, अगर इस सेंटेंस का इस सेंटेंस का अगर मतलब हिंदी में भी समझते हैं कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ हिंदी में भारत एक महान देश है. बट ये जो सेंटेंस हो गया इंडिया हैज बीन अ ग्रेट कंट्री, इसका मतलब क्या हो गया? भारत एक महान देश रहा है, मतलब हमेशा से ही रहा है. इसके साथ ना एक टाइम जुड़ गया, 5000 years, 6000 years, इतने टाइम से ना
इंडिया जो है, भारत जो है एक महान देश रहा है। दोनों में फर्क है। जब आप ये कहते हैं कि इंडिया इज ग्रेट, इसको मैं एक बार लिख देता हूं कि जब आप कहते हैं इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, इसका मतलब क्या हो गया, भारत एक महान देश है। इसके साथ कोई टाइम फैक्टर नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हुआ इंडिया की हम बात अभी अभी कर रहे हैं, इस टाइम पे कर रहे हैं, इस मोमेंट पे कर रहे हैं। इंडिया के क्या पास्ट था, इंडिया पास्ट में कैसा था, इंडिया अतीत में क्या था, उसके बाद इस सेंटेंस का मतलब हो गया अभी अभी, एट द मोमेंट मतलब एट प्रेजेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं। एट प्रेजेंट मोमेंट की हम बात करें कि इंडिया इस क्षण कैसा है, अभी कैसा है, तो इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, मतलब भारत एक महान देश है, मतलब अभी अभी की बात हो गई। इंडिया पास्ट में कैसा था इसका ना हमें कोई आइडिया नहीं मिल रहा, बट ये जो सेंटेंस है जिसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में कहते हैं और जिसको बनाने का जो ढंग है, स्ट्रक्चर्स है, वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये सेंटेंस ऐसे लिखा गया, इंडिया हैज बीन अ ग्रेट कंट्री, इसका मतलब क्या हो गया, भारत एक महान देश रहा है मतलब ये हो गया। इसके साथ ना 1000 years 5000 years का हिस्ट्री है इंडिया के साथ, या 5000 years या उससे भी ज्यादा। इंडिया की बात कर लें तो इंडिया इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, 10,000 years का से भी ज्यादा का ये टाइम है। तो दिस इज द डिफरेंस। जब स्टेट ऑफ बीइंग को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं और सिंपल स्टेट ऑफ बीइंग को जब प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं तो दोनों के मीनिंग में ये फर्क होता है। और जो मीनिंग में डिफरेंस सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट में है, वही डिफरेंस सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और वही मीनिंग का डिफरेंस सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट देखा, ये प्रेजेंट परफेक्ट चल रहा, सिंपल प्रेजेंट हमने देख लिया, सिंपल पास्ट हमने देख लिया, सिंपल मोडल्स के साथ हमने देख लिया। अब जो है स्टेट ऑफ बीइंग किस और टेंस में पॉसिबल है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम देख रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट में स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें, तो स्ट्रक्चर्स में क्या आना है, आई नीड टू राइट इट बिट डाउन। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैज का पास्ट टेंस हैड, हैव का पास्ट टेंस भी हैड, और यहां पे बीन तो कॉमन ही है, और यहां पे कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो जाएगा, इंडिया हैड बीन अ ग्रेट कंट्री। ये पास्ट परफेक्ट हो गया। अब डिफरेंस वॉज इंडिया वॉज अ ग्रेट कंट्री, भारत एक महान देश था, और इंडिया हैड बीन अ ग्रेट कंट्री, भारत हमेशा से एक महान देश था। मतलब अगर सिंपल पास्ट करते हैं तो सिंपल पास्ट का मतलब होता है पास्ट टेंस में, शॉर्ट मोमेंट के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए उसका मीनिंग आता है, और पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो वही उसके साथ टाइम जुड़ जाता है। दिस फ्यूचर परफेक्ट की बात कर लें, फ्यूचर परफेक्ट की बात कर ले तो यहाँ पे सब्जेक्ट और फिर क्या हो जाता है, विल और शैल तो लगता ही है, और मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे विल एंड शैल लगा के नहीं ना, कोई से भी मुदास लगा देंगे सेंटेंस बन जाएगा। और उसके बाद हैव आता है, और फिर आता है बीन, और फिर कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमेशा इट इज नॉट विजिबल, आई शुड राइट हियर, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया फ्यूचर परफेक्ट का, फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, ये विल और शैल की जगह कोई भी मुडेल्स डाल दें, हैव और बीन कॉम्प्लीमेंट, यहां पर लिख लेता हूं मैं फ्यूचर परफेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट विल शैल, और यहां पे तो मैं कहता हूं विल एंड शैल की जगह ना आप विल एंड शैल नहीं देखे, आप कोई भी मुडेल्स के डालो यहां पे, फिर हैव,
फ्री बीइंग और फ्री कॉम्प्लीमेंट, और सेंटेंस क्या बन जाएगा यहाँ पे, सेंटेंस बन जाएगा इंडिया विल हैव बीन अ ग्रेट कंट्री, और इसकी मीनिंग में भी, मीनिंग्स भी इसका वही हो जाना है जो कि सिंपल फ्यूचर्स में मुडैस लगाकर जो बना रहे हैं, इंडिया विल बी अ ग्रेट कंट्री का मतलब हो गया इंडिया एक ग्रेट कंट्री होगा आने वाले टाइम में, और इंडिया विल हैव बीन अ ग्रेट कंट्री में दोनों में क्या डिफरेंस हो गया, तो सिंपल फ्यूचर में जब हम स्टेट ऑफ बीइंग का इस्तेमाल करते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और फ्यूचर परफेक्ट का जब इस्तेमाल करते हैं उसमें टाइम फैक्टर ऐड हो जाता है, दिस इज ओनली द डिफरेंस। तो स्टेट ऑफ बीइंग के लिए प्रेजेंट टेंस में हमारे पास सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, एक्सक्यूज मी, दोनों में क्या डिफरेंस है, सिंपल प्रेजेंट इसमें कोई टाइम नहीं होता, इसमें जो है ना प्रेजेंट मोमेंट, उस मोमेंट की बात करते हैं, उसके साथ कोई टाइम फैक्टर एडेड नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हो जाता है, उसके साथ टाइम जुड़ जाता है। इंडिया इज ए कंट्री, ग्रेट कंट्री, इंडिया एक महान देश है, अभी अभी हम बात करें इस क्षण के लिए, बट हमें जब ये कहते हैं कि इंडिया हैज बीन अ ग्रेट कंट्री, इसके साथ 10,000 ईयर्स जुड़ गया। पास्ट टेंस में सेम, इंडिया वाज अ कंट्री, ग्रेट कंट्री, पास्ट टेंस में जाके हम ना एक मोमेंट की बात करें, एक क्षण के लिए बात किए, बट अब हम पास्ट परफेक्ट बना दिए, इंडिया हैड बीन अ ग्रेट कंट्री, इसका मतलब हो गया ना उसके साथ इंडिया की जो पास्ट है वो 1000 इयर्स के लिए था, 1000 इयर्स के टाइम के लिए ना, हजारों सालों के लिए वो महान था। फ्यूचर में भी वही बात हो जाएगा, इंडिया विल बी अ ग्रेट कंट्री, दैट विल बी फॉर अ शॉर्ट टाइम इन फ्यूचर, एंड इंडिया विल हैव बीन अ ग्रेट कंट्री, दैट विल बी फॉर अ लॉन्गर टाइम, फॉर अ थाउजेंड ऑफ इयर्स ऑफ टाइम इन फ्यूचर। तो हमने स्टेट ऑफ बीइंग के लिए सिक्स सेंटेंसेस देख लिए, सिक्स टेंसेस देख लिए। एक और इसके टेंसेस पॉसिबल होते हैं, अगर जब हम सेंटेंसेस कहते हैं ना, कि अगर किसी को कहते हैं ना ज्यादा स्मार्ट बनना बंद करो, तो ये अगर सेंटेंस लिखते हैं तो क्या बोलेंगे, स्टॉप being over smart। देखिए तो ये कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस में आ जा रहा है, अलग बात है कि स्टेट ऑफ बीइंग का कोई कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, अब तक हमने सिक्स टेंसेस देख लिए, इसके अलावा एक कॉन्टिन्यूअस वाले फैक्टर्स आ जाता है। इफ आई से दैट स्टॉप बीइंग स्मार्ट, दैट मींस यू नो दिस सेंटेंस इज नॉट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है, सिंपल पास्ट में नहीं है, पास्ट परफेक्ट में भी नहीं है, ये सिंपल फ्यूचर में नहीं है, और ये सिंपल ये फ्यूचर परफेक्ट में भी नहीं है। और अगर कहते हैं ना वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव बनता है हमेशा, ही इज बीइंग काइंड, या फिर ऐसे कह लें ही इज बीइंग काइंड, और या फिर शी इज बीइंग हेल्पफुल, ये सेंटेंसेस भी आते हैं, दे आर बीइंग नॉइजी, तो ये सेंटेंसेस भी जो है ना ये स्टेट ऑफ बीइंग्स में आ जाते हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग्स में आज हमने क्या देखा, स्टेट ऑफ बीइंग्स वाले वर्ब्स को ना टेंसेस में हमने क्लासिफाई करा कि स्टेट ऑफ बीइंग्स के लिए कितने टेंसेस पॉसिबल हैं, कितने टेंसेस हमने देखा, प्रेजेंट टेंस में हमने दो देखा, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट टेंस में हमने देखा सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर टेंस में हमने देखा सिंपल फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट। उसके अलावा इसका ना एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म जैसा मिलता जुलता ना हमें दिखता है। अगर मैं बोलूं यू वर बीइंग रूड, तो ये कहीं ना कहीं ये कॉन्टिन्यूअस वाली फीलिंग्स को लेके आता है। तो बस इतने सारे सेंटेंसेस जो होते हैं पॉसिबल होते हैं किसमें, स्टेट ऑफ बीइंग्स के लिए होते हैं। एक और इसमें एक जो इंपॉर्टेंट रह जाता है, स्टेट ऑफ बीइंग में कई बार जो सेंटेंसेस ना हमें पैसिव जैसे दिखता है वो, बट पैसिव नहीं होता, वो एक्टिव में भी होता है, उसको भी हम एक बार ना थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वो सेंटेंसेस हमें दिखते तो हैं पैसिव की तरह, बट वो पैसिव होते नहीं है वो सेंटेंसेस। जैसे अगर हम कह दें ही इज इंजर्ड, तो हमें लगता है इज हो गया ये, और इसके बाद भाव की थर्ड फॉर्म है, तो हमें पैसिव दिखते हैं, ये पैसिव नहीं, ये स्टेट ऑफ बीइंग है, क्योंकि इंजर्ड ये जो है ना ये कॉम्प्लीमेंट है, और इसका लिंक सब्जेक्ट्स है, ये लिंकिंग वर्ब है, इट्स नॉट पैसिव। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं वी आर सैटिस्फाइड, तो दिस इज नॉट इन पैसिव, दिस इज लिंकिंग वर्ब, दिस इज कॉम्प्लीमेंट। He is
a retired army officer. So it is not passive. It is, these sentences are state of being only. तो यहाँ पे हमें ये लगता है कि इज ए मार्क के बाद ना ये वर्ब के थर्ड फॉर्म जैसा आ रहा, और ये थर्ड फॉर्म तो है ही, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ये एडजेक्टिव है, एक्चुअली एडजेक्टिव है। और कॉम्प्लीमेंट्स के लिए मैंने आपको क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं या नाउन होते हैं या फिर कोई दूसरा से वर्ड होता है जो एडजेक्टिव या नाउन होगा, बस इतने ही होते, तो और भी बहुत है, बट दिस मच इफ वी टेक केयर ऑफ, अगर हम इतना समझ जाते हैं और इसका यूज ना अगर हम करने लगते हैं, then we really get the confidence while speaking and while writing. So we are done with the state being form of verb. Once again, just in 2 minutes, I just recap everything. State of being kya hota hai? State of being kabhi bhi na kisi actions होने का, actions के बारे में नहीं बताता है, यानी हमें सिर्फ बताता है subject क्या है, subject क्या था, subject क्या होगा। इसलिए और इसके लिए हमने देख लिया टू बी वर्ब्स होते हैं और कुछ कुछ स्टैटिक वर्ब्स भी होते हैं। इसका स्ट्रक्चर्स की बात करें, सब्जेक्ट होता है, टू बी वर्ब्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। टेंसेस वाइज की स्टडीज कर लें तो कितने टेंसेस में पॉसिबल है, ये 6 टेंसेस में है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, सिंपल मोडस, मोडस परफेक्ट। उसके अलावा हमने कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी देखा थोड़ा थोड़ा यूज होता है, और लास्ट में हमने ये देखा कुछ कुछ सेंटेंसेस जो हमें पैसिव के तरफ दिखते हैं बट पैसिव नहीं होते हैं, वो होते हैं एक्टिव ही रहते हैं, वो एक्टिव नहीं, वो स्टेट ऑफ बीइंग के ही रहते हैं वो। तो इस तरीके से हमने जो वर्ब सीखना अभी शुरू करा है, तो वर्ब्स में हमने स्टेट ऑफ बीइंग को कर लिया, अब नेक्स्ट आई विल टेक अप पोजेशन, फिर एक्टिव एंड पैसिव, और इस तरीके से अगर हम इतना कर लेते हैं ना, तो वर्ब्स जो है, वर्ब विल कम टोटली आवर कंट्रोल। एंड बिकॉज वन थिंग अगेन आई एम टेलिंग यू दैट वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन अ सेंटेंस, विदाउट वर्ब वी कैन नॉट राइट एनी सेंटेंस, वी कैन नॉट स्पीक एनी सेंटेंस, वर्ब इज सो इंपॉर्टेंट। और अगर एक सेंटेंस में वर्ब है तो हमें समझना पड़ेगा कि उस वर्ब का इस्तेमाल कैसे हुआ है, स्टेट ऑफ बीइंग के तौर पे हुआ है या पोजीशन के तौर पे हुआ है या एक्टिव तौर पे हुआ है और पैसिव। और जिस दिन हमें इतना आ जाता है ना, इन एक्चुअल सेंस, इन रियल वे, वी विल लर्न एक्चुअल इंग्लिश ऑन दैट डे। इज दैट क्लियर? थैंक यू फ्रेंड्स।